हे मालास, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर ए एंड द वीडियो। एंड ये बाल मैं कब से सोच रही हूँ ढंग से सेट हो जाए, बट जो कि नहीं हो पा रहा है, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो हाय गाइस, सो आज के वीडियो में मेरे पास बड़ी अच्छी स्वॉचेज हैं एंड आधे आप देख सकते हो। सो बेसिकली शुगर ने ऑलरेडी एक पूरी रेंज निकाली थी, दैट वॉज द म्यूज मास्क प्रूफ लिप क्रैम। सो इसमें ऑलरेडी काफ़ी शेड रेंज थी, बट उन्होंने और शेड्स निकाले हैं इसमें। सो सिक्स शेड्स और हैं, फ्रॉम 9 to 14 और शेड्स लॉन्च किए हैं। एंड ये इतने सुंदर है ना, ये सारे शेड्स ब्राउन स्किन टोन पे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब इफ़ यू गो फॉर अ वेरी ब्यूटिफुल लिप लाइनर एंड विदाउट अ लिप लाइनर ऑल्सो, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं शेड्स, बिकॉज इसमें जनरली जितने भी टोन्स हैं वो सारे यू नो अर्दी वॉर्म पिंक पीच एंड ब्राउन कांडर टोन है। जो लास्ट कलर्स थे इस रेंज में, दैट वॉज मोर टूवर्ड्स पिंक, थोड़े पीच पिंक से ज़्यादा थे। इसमें थोड़ा ब्राउन एंड अर्दी टोन ज़्यादा है, जो कि ब्राउन स्किन के लिए बेस्ट शेड्स हैं अगर आपको ट्राई करना है तो। एंड ये बहुत अच्छा टेक्स्चर देता है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट द पैकेजिंग लुक्स लाइक। सो ये इसकी पैकेजिंग है। सो दिस इज़ वॉट द पैकेजिंग लुक्स लाइक। एंड ये 599 का प्राइस है इसका, 5 ml की क्वान्टिटी है इसमें। सो ये बेसिकली सैटिन मैट टेक्स्चर है, जो कि बहुत लाइट वेट फिनिश देता है आपको, एंड प्लस नॉन ड्राइंग है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, कलर पे ऑफ बहुत अच्छा देता है। इसमें कलर फॉर्मूला, जो ट्रू कलर फॉर्मूला है वो बहुत अच्छी है इसमें। सो आपको जो एग्जैक्ट कलर है वो आपको परफेक्टली वैसे ही मिलता है जैसा देख रहे हो आप। एंड प्लस वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका, अगर आपको लाइट वेट टेक्स्चर और फॉर्मूला पसंद होता है। सो कई लोग होते हैं जो मैट लिपस्टिक्स, क्योंकि ये मैट फिनिश है बट ये ड्राइंग वाला मैट नहीं है, सो इफ़ यू कैन सी क्लोजली मेरे लिप्स फटते नहीं है। सो द कलर इज नॉट ब्रेकिंग, जो सबसे मेजर कंसर्न होता है किसी भी लिक्विड लिप कलर का, कि कलर्स जनरली ब्रेक ऑफ होता है। सो इसमें आपके कलर्स ब्रेक ऑफ नहीं होता है, इसमें भी इनफैक्ट यू कैन सी अ वेरी सिमेट्रिकल, सो कलर ब्रेक नहीं होता है, जो कि सबसे मेजर कंसर्न होता है लिक्विड लिपस्टिक्स का। अदरवाइज क्या होता है, जब हम लगाते हैं तो वो ईजिली ग्लाइड ऑन भी हो जाता है, एंड प्लस ड्राइंग बहुत ज़्यादा होता है। सो इसमें ऐसा नहीं है, ये चीज़ है जो कि मैंने पहले ही बता दी आपको। सो इसमें बहुत अच्छे शेड जो कि मैं अभी आपको स्वॉचेस सारे दिखाऊंगी, सो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। प्लस इसके क्लेम्स भी हैं, सो दीज आर ऑल द क्लेम्स। सो क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, दिस इज अगेन वीगन प्रोडक्ट, सो वीगन प्रोडक्ट है, अल्कोहल फ्री है। सो क्योंकि मेरी एक्चुअली स्किन बहुत सेंसिटिव है, सो अल्कोहल फ्री है, विच इज परफेक्ट, सो इट विल नॉट इरिटेट माई स्किन, एंड क्योंकि लिप का स्किन तो वैसे भी बहुत पता होता है, सो इट डज नॉट इरिटेट। सो दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट लुक्स लाइक, अगेन वेरी ब्यूटीफुल पैकेजिंग, आई लाइक द पैकेजिंग। एंड आपको थोड़ा सा कलर यहाँ पे दिखता है एग्जैक्टली कि कौन सा कलर है, यहाँ पे आपको साइड में सारी डिटेल्स मिलती हैं एग्जैक्टली कि कौन सा शेड है, शेड नेम और नंबर। आई विश कि यहाँ पे होता एक शेड नंबर का यहाँ पे भी होता, सो इफ समबडी हू लाइक्स टू कीप इट आइदर ऑन द टॉप और आइदर ऑन द बॉटम, थोड़ा ईजियर हो जाता है। सो लेट्स गेट ऑन विद द स्वॉचेस। सो जो पहला कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ ये है 09 गर्ल विथ पीचेस। सो बेसिकली आपका एप्रिकॉट पिंक कलर है, नहीं आप लगा सकते, अदरवाइज ये थोड़ा वॉश आउट कर देगा, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू अप्लाई दिस कलर, वेरी वेरी केयरफुल। सो ये लाइट टेक्सचर में ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड प्लस दिस इज व्हाट द कलर लुक्स लाइक। सो ये है 09। सो नेक्स्ट कलर है मेरे पास, दिस इज शेड नंबर 10 आलमंड ब्लॉसम। सो बेसिकली ये ब्राउन टोन, ब्राउन न्यूड विथ पिंक अंडरटोन के साथ आता है, सो थोड़ा सा इट गिव्स यू दैट मॉव सॉर्ट ऑफ अ फिनिश। सो इसमें थोड़ा सा मॉविश टेक्सचर है कलर का, अगेन थोड़ा लाइट ही रखेंगे इसको, बिकॉज अदरवाइज ये वॉश आउट कर सकता है। नंबर 10, सो इसमें थोड़ा सा मॉव टच है, सो ये विद सेटल आईज, ये हर एक आई कॉम्बिनेशन के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, प्रेफरेबली गोल्ड के साथ नहीं, सिल्वर के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा, किसी भी कूल टोन कलर कॉम्बिनेशन ऑफ आई के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। सो ये है नेक्स्ट कलर, जो कि शेड नंबर 11 है। ये थोड़ा सा पीच पिंक अंडरटोन के साथ आता है, थोड़ा सा पीच टोन ज़्यादा है, बट दिस इज व्हाट द कलर लुक्स लाइक। नेक्स्ट है मेरे पास शेड नंबर 12, जो कि रोसिएट स्पूनबिल है। सो दिस इज अ लाइट कैरमल न्यूड कलर, और ये बहुत अगेन बहुत ही सुंदर कलर है। आई थिंक हम जनरली वी काइंड ऑफ एक ब्राउन टच के साथ हम जनरली थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं ऐसे कलर्स को, बट ये बहुत सुंदर लगता है। सो
आप इसको पेयर कर रहे हो किसी के साथ, सो मेक श्योर कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ आई ड्रामेटिक हो, अदरवाइज अगर बहुत लाइट रहेगा तो ये थोड़ा वॉश अवे कर सकता है लुक को. मेक श्योर कि वो थोड़ा सा आई लुक आपका थोड़ा सा ब्राइटर हो, सो ये बेस्ट रहेगा उसके लिए. एंड प्लस डेली न्यूड कलर के लिए बेस्ट है. सिर्फ सिंगल हैंडेडली ये थोड़ा वॉश आउट करता है स्किन टोन को, बट अगेन वेरी ब्यूटिफुल कलर टू गो फॉर. सो नेक्स्ट थोड़े से शेड जाते हैं अपना. सो नेक्स्ट ये शेड है, दिस इज 13 वैंडिक ब्राउन. आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, नॉट श्योर. सो बेसिकली ये डार्क कैरमल कलर है, ब्राउन टोन्स में आई थिंक वेरी वेरी ब्यूटिफुल कलर. आई थिंक ये सोलो एज इट इज बिना किसी उसके भी अच्छा लगेगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा ना पिंक पीच अंडर टच है. सो का ये वाला और 14 नंबर, ये दोनों शेड्स मेरे सबसे बेस्ट हैं, बिकॉज ब्यूटिफुल इन कलर, मेरे को बहुत पसंद है ये. सो येस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. और ये सारे शेड्स मस्ट ट्राई है, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो यू गाइज कैन गो एंड चेक इट आउट. अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर, क्योंकि मैं रोज कॉन्टेंट डालती हूँ अपने इंस्टा पे. अगर आप बिगिनर हैं मेकअप के, आई थिंक दिस विल एक्चुअली हेल्प. एंड प्लस देर इज अनदर पेज ऑफ माइंड विच इज एलिगेंट एजेस बाय मार्गी, आप उसको भी सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं, सो दैट यू विल गेट योर डेली डोज ऑफ मेकअप नॉलेज. सो या, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन स्टे विद अस, स्टे कॉन्फिडेंट, कीप मिसिंग मी, कीप लविंग मी. एंड इफ देयर इज एनी सजेशंस और रिकमेंडेशंस, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स डाउन बिलो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई एंड see what you guys have to say. So yeah, so thank you so much you guys for watching this video. I'll see you guys in my next video. Until then, stay beautiful, stay confident, keep missing me, keep loving me, and I will see you guys later. Bye.